हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। आज अपन विश्व का मानचित्र देखने वाले हैं। बीए पार्ट फाइनल वालों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी की एग्ज़ाम लगने वाली है और उसमें ये मानचित्र अवश्य आता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी वीडियो में उन सभी पॉइंटों को सम्मिलित किया है जो या तो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं या अब आ सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में जो आए हुए उनमें से भी कुछ टॉपिक उठा के दे सकता है और कुछ नए हैं इसमें। खाड़ियाँ, पर्वत और नए नए जो पॉइंट हैं उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि मानचित्र में महाद्वीप कौन से हैं और महासागर कौन से हैं, ठीक है? ये ऐसा ध्यान रहेगा तो अपन बता देंगे ये पॉइंट इस महाद्वीप में है, ठीक है? तो महाद्वीप अपन के साथ हैं, ठीक है? महाद्वीप साथ हैं, ठीक है? पहला महाद्वीप उत्तर अमेरिका, दूसरा ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है? मैं इस मैप में समझा देता हूँ अलग से कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका आ गया, ठीक है। ये अपन का जो ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये क्षेत्र, ठीक है, ये यूरोप में आता है, यूरोप का क्षेत्र आ जाएगा, यानी ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र यूरोप में आ जाता है। और नीचे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, ये एशिया है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सात हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक और है अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। महासागर भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे ये एस के आकार का अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, महासागर, ठीक है, इसे अंद महासागर भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो साइड में है, ये जो साइड में है वो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा, आर्कटिक महासागर, ठीक है, ठीक है, आर्कटिक महासागर यहाँ देखने को मिलेगा। तो प्रशांत महासागर ये है, ठीक है, अंटार्कटिका मा या सॉरी अटलांटिक महासागर ये, अंध महासागर ही बोल सकते हैं, आर्कटिक महासागर है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव ये आ जाएगा, और जो हिंद महासागर वो ये है, ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये अपन ने महाद्वीप और महासागर जान लिए। अब अपन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। मैं पेज पलटना भूल गया, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ से अपन आते हैं, ये जो अभी जो अगली जो खाड़ी है ये भारत है, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी पड़ती है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये आ जाएगी। फिर भारत में ही एक खंबात की खाड़ी पड़ती है, हम सबको पता है ये खंबात की खाड़ी है, गुजरात के निचले हिस्से में खंबात की खाड़ी, और यहाँ पर यानी भारत का जो दूसरी हिस्सा है यहाँ पर वो गुजरात पड़ता है, गुजरात के मध्य में कच्छ की खाड़ी पड़ती है। तो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी भारत से लगी खाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी ये है, वो खंबात की खाड़ी ये है और कच्छ की खाड़ी ये है, ठीक है। अब फारस की खाड़ी, ये नक्शे में आप देख कर पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, ये सारी की सारी खाड़ियाँ हैं जो फारस की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर एक खाड़ी और देखने को मिलेगी आगे, ठीक है, ये जो खाड़ी है
वो अकाबा की खाड़ी है, ठीक है। आप नक्शे में भरते जाओ, मेरे पास में खाली मैप नहीं था इसलिए मैंने जो भरा है वो समझा रहा हूँ। अकाबा की खाड़ी ये है, और जो लाल सागर है ये पूरा का पूरा लाल सागर है, ये जो गाजर के आकार का है ये पूरा का पूरा आपको लाल सागर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो पेज पलट लेता हूँ। आगे देखेंगे अपन, यानी ये जो दिख रहा है ये जो पूरा जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है, ठीक है। ऊपर ही ऊपर बेरिंग जल संधि आ जाएगा, ठीक है। ये बेरिंग जल संधि आप लिखते जाओ, नोट करते जाओ। दूसरा बेरिंग सागर है, ये सारा का सारा जो सागर देख रहे हो वो बेरिंग सागर है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो सागर है ये पूरा का पूरा, यानी ये पूरा का पूरा जो सागर है वो आपको ओकोटस टसक, यानी ओकोटसक सागर है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ओको टसक सागर, ठीक है। ओको टसक सागर ये यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में ये जो एरिया है आप नक्शे में जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आप लिखते जाओ, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा पीला सागर है। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि ये जो यहाँ पर कौन सी खाड़ी थी, बोआई की खाड़ी थी, बोआई की खाड़ी के आगे ही पीला सागर है, ठीक है। पिछले प्रश्न में हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर टोक्किन की खाड़ी और टोक्किन की खाड़ी के आगे ही दक्षिणी इंद सागर है, यानी सॉरी दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है वो दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। दक्षिणी दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। तो जो टोक्किन की खाड़ी मैंने बताई थी उसी के जस्ट आगे है दक्षिणी दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये दो द्वीप हैं उन उसके बीच में, यहाँ पर जो मैं पेन की नुक लगा रखी है मैंने, वहाँ पर ही आपको सूडान जल संधि देखने को मिलेगी, यानी सूडान जल संधि ये यहाँ पर इसी के बीच में है, और जकार्ता यहाँ पर है, ठीक है। ये जो द्वीप है इसके ऊपर ही आपको जकार्ता देखने को मिलेगा, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो गोबी का मरुस्थल है, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा गोबी का मरुस्थल, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये कैस्पियन सागर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, कैस्पियन सागर पूछ सकता है वो, तो कैस्पियन सागर ये आ जाएगा। इसी के आगे काला सागर है, ये जो फैला हुआ है वो काला सागर है, ठीक है, ये काला सागर है। फिर ये जो ऊपर उपला हिस्सा है, यानी यहाँ पर ये जो फैला हुआ है इसमें है ना, जो आपको दो खाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो खाड़ी है वो बोथनिया की खाड़ी है, ठीक है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है, आप लिख लीजिए बोथनिया की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। इसी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है, फिनलैंड की खाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। लाल सागर मैंने बता दिया, ये पूरा का पूरा पिछली जो मानचित्र था उसमें बता दिया कि गाजर के आकार का गाजर लाल होती है, वो लाल का मतलब लाल सागर है, ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है ये जो जस्ट ये, ठीक है, ये कौन सी खाड़ी है, डेल गोवा की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो डेल गोवा की खाड़ी, ठीक है, डेल गोवा की खाड़ी ये है, ठीक है। इसके आगे जाओगे तो मध्य अफ्रीका ही मान लो, ये अफ्रीका चल रहा है, तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर गिनी की खाड़ी, यहाँ पर ये यूरोप का क्षेत्र है, पूरा पूरा का पूरा ये यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बिस्के की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये जो खाड़ी है वो बिस्के की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप एक नक्शा ले लीजिए, सारे सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको एक नक्शे में भरने का प्रयास न कीजिए, मैंने जैसे भर रखा है वैसे ही आप भरते जाइए,
तो सुगमता से आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक खाड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट खाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में कार्पेट्रिया की खाड़ी है ये, कार्पेट्रिया। ठीक है, कार्पेट्रिया की खाड़ी है ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर उसी में ही आती है ये, ऑस्ट्रेलिया से लगी हुई कार्पेट्रिया की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये आप देख रहे हो, ये इंडिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडिया है, आप सबको पता है। और इसके जो ये साइड है, यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत पड़ता है। ठीक है, ये सुलेमान पर्वत है। ठीक है, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत पड़ता है, और उसके ऊपर जाओगे तो अफगानिस्तान है ये। अफगानिस्तान में इंदुकुंश पर्वत पड़ता है, इंदुकुंश पर्वत अफगानिस्तान में पड़ता है। और ये हिस्सा है, यानी जो भारत है उसका ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर आपको कुनलुन शान देखने को मिलेगा। यहाँ पर चीन पड़ता है और इस हिस्से में कुनलुन शान पर्वत आपको देखने को मिलेगा। तो दो पर्वत आपको इधर देखने को मिलेंगे इंडिया के उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिमी भाग है, और यहाँ पर आपको दो पर्वत देखने को मिलेंगे। एक पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा कुनलुन शान, और दो पर्वत यहाँ पर, यानी पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदुकुंश पर्वत। यहाँ पर आपको कुनलुन शान पर्वत देखने को मिलेगा चीन में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो अलास्का है, ये आगे पॉइंट भी आपको आगे भरे हुए मिलेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं। अलास्का ये क्षेत्र है, और अलास्का के नीचे जब आओगे तो ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी आपको देखने को मिल रही है, वो अलास्का की खाड़ी है। यानी अलास्का ऊपर है और अलास्का की खाड़ी नीचे है। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, इसके बीच में आपको दो खाड़ी देखने को मिलेगी। ये जो क्षेत्र है उसमें अडसन की खाड़ी देखने को मिलेगी, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उसमें जेम्स की खाड़ी देखने को मिलेगी। यानी इसमें दो खाड़ियाँ हैं, एक अडसन की खाड़ी, और ये पॉइंट जहाँ पर मैंने लगा रखा है, यहाँ पर आपको जेम्स की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये जो झीलें हैं, ये चार झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये झीलें हैं, तो आपकी जो ये पहली झील है, ये पॉइंट लगा रखा है, ये पॉइंट पे पहली झील आप नक्शे में देख लो, मैंने पहले बार रखा है। यहाँ पर सुपीरियन झील आपको देखने को मिलेगी, जस्ट दूसरी यहाँ पर। ठीक है, जस्ट दूसरी, यानी मैं इस नक्शे में समझाने का प्रयास करूँगा कि ये जो झीलें हैं, ये जो झील दिख रही है उसमें, ये सुपीरियन झील है। ठीक है, दूसरी झील मिशिगन झील है। ठीक है, मिशिगन झील ये है। ठीक है, मिशिगन झील है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलती है, वो मिसिसिपी नदी है, वो आगे मैं बता दूंगा। ये नदी है मिसिसिपी नदी है, और इसका मुहाना है ना, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये नदी जाती है, डायरेक्शन बता देना आप। ठीक है, और यहाँ पर एक खाड़ी और देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है, और इसके बीच में जो खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं पृष्ठ बदलता हूँ, आगे भी आपको ये जो झीले हैं वो इसमें भर रखा हूँ मैं, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर शुरू करते हैं चिल्का झील। वो पूछ सकता है चिल्का झील कहाँ पर है, तो वो भारत में ये फ्रेंड्स, और भारत का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ये झील पाई जाती है, चिल्का झील। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट झील, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्का झील पाई जाती है, और मानसरोवर झील भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर तिब्बत का पठार पड़ता है, और उसके आगे चीन पड़ता है, तो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में जो ये क्षेत्र है एशिया का ही है, और यहाँ पर आपको बेकाल झील देखने को मिलती है।
बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है फ्रेंड्स, बेकाल झील है और विश्व की सबसे गहरी झील भी बेकाल झील है। ऐसे में क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की सबसे गहरी झील, तो अपन बताएंगे बेकाल झील। ठीक है, बेकाल झील। ठीक है, और भारत का जो ये हिस्सा है इसी के ऊपर आपको एक झील और देखने को मिलेगी, ऊपर ही ऊपर, बालकस झील। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको साफ, बालकस झील, बालकस झील आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि जो ये जो द्वीप सा नज़र आ रहा है, ये क्षेत्र, ये आपको कैस्पियन सागर है। ठीक है, और यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे ये जो सागर है वो अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है अरल सागर, उसके ऊपर ये कैस्पियन सागर है। मृत सागर पूछ सकता है वो, मृत सागर ये है। ठीक है, मृत सागर में यहाँ पर थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, मृत सागर ये है। ठीक है, मृत सागर जहाँ पर मैं नुक लगा रहा हूँ पेन की, वहाँ पर आप देख लो, मृत सागर ये है। और ये विश्व की सबसे खारी झील है, यानी मृत सागर है ना जो सबसे खारी खारी है, यहाँ पर विश्व की सबसे खारी झील पाई जाती है, झील ही है एक तरह की मृत सागर, तो विश्व की सबसे खारा सागर है, सॉरी ये सबसे खारा सागर है। ठीक है, विश्व का सबसे खारा सागर मृत सागर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अफ्रीका में आपको विक्टोरिया झील देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट झील है विक्टोरिया झील, अफ्रीका यानी विक्टोरिया झील आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, वो दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में जो ये वाला हिस्सा है, आप जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ पर लगाते जाओ, ये जो हिस्सा है वहाँ पर आपको टिटिकाका झील, ठीक है, टिटिकाका झील यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने पिछले फर्स्ट में बताया था ये, या ये जो झील है वो सुपीरियन झील है, ये मिशिगन झील है, और इसके ऊपर जो झील है वो यूरोन झील है। ठीक है, और ये इसके नीचे एक झील और है वो इरी झील है। ठीक है, चार झीलें पाई जाती हैं, सुपीरियन झील, मिशिगन झील, इरी झील, यूरोन झील, और इस क्षेत्र को महान, इस क्षेत्र को कन्फ्यूज मत होना, ये तो मैंने ऐसे ही ट्रिक के द्वारा लिख दिया था, उमेश ट्रिक बना के लिखा था, सारे भी याद करने तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी है, सुपीरियन झील, मिशिगन झील, नीचे ये क्षेत्र है इरीन झील, और ऊपर यूरोन झील। ठीक है, इरी झील, यूरोन झील। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये सारी है ना जो महान झीलों का क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने जचा दिया नक्शे को। इसके बाद आपको ये ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, हम सबको पता है ग्रीनलैंड। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पर स्थित है। ठीक है, सुमात्रा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस नक्शे को, सुमात्रा, सुमात्रा ये जो द्वीप है उसी में, ये जो द्वीप है वो सुमात्रा है। ठीक है, सुमात्रा है। ठीक है, ये काटा हुआ है, इसको ध्यान में मत देना, ये जो द्वीप है, ठीक है, ये द्वीप है सुमात्रा। ठीक है, इरावदी नदी, मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, इरावदी नदी है ये। ठीक है, इरावदी नदी। ठीक है, ये इरावदी नदी म्यांमार में है। ठीक है, ये इरावदी नदी म्यांमार में, और म्यांमार भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है ये, तो म्यांमार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और उसी में इरावदी नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। यदि आपको ये पूछ ले कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी ये यहाँ पर देखने को मिलेगी, सिंधु घाटी ये है, यदि सिंधु नदी पूछे तो आप यहाँ से पॉइंट बना के ऐसे लिख देना, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है, और ये घाटी है जहाँ से सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में, वहाँ पर सिंधु घाटी है, और सिंधु नदी यदि पूछ ले तो ऐसे डायरेक्शन बना के आ जाना। ठीक है, अरल सागर मैंने बता ही दिया है, ये क्षेत्र अरल सागर का है। ठीक है, इसके बाद में भूमध्य सागर सबसे महत्वपूर्ण सागर माना जाता है। ठीक है,
ये भूमध्य सागर है, पूरा का पूरा भूमध्य सागर है अफ्रीका के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा भूमध्य सागर है, नक्शे में देख लो आप, ठीक है। सिद्रा की खाड़ी भूमध्य सागर के अंदर ही पाई जाती है, ये सिद्रा की खाड़ी है, ठीक है। जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ वहाँ पर चिन्ह लगा लो, सिद्रा की खाड़ी भूमध्य सागर में ही है, ठीक है। आपको वो ये भी पूछ सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि कौन सी है, तो इसी के बीच में अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये जो संधि है, जल संधि है, वो जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि ये है, ठीक है। डागर बैंक पूछ सकता है वो, ठीक है। आल्पस पर्वत बता देता हूँ मैं, आल्पस पर्वत ये जो भूमध्य सागर उसके ऊपर ही है, आल्पस पर्वत, ठीक है। ये आल्पस पर्वत आ जाएगा, आल्पस पर्वत, ये आप लिख रखा है मैंने आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत भूमध्य सागर के ऊपर में स्थित है और जस्ट इसके ऊपर ही डागर बैंक आ जाए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डागर बैंक आ जाएगा, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि मैंने बताई दी है, ग्रीनलैंड मैंने बताई दिया है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो रहा था कि ये जो द्वीप बना हुआ है, ये जो द्वीप है वो ग्रांट बैंक है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रांट बैंक, ठीक है, ग्रांट बैंक, ठीक है, ये ग्रांट बैंक है, ठीक है। अब एक पर्वत महत्वपूर्ण हो रहा है, ये उत्तरी अमेरिका में ही है ये पर्वत, ठीक है। ये जो सारा पर्वत फैला हुआ है वो अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी, अपलेशियन, ठीक है। अपलेशियन जो पर्वत है वो आपको, अपलेशियन जो पर्वत है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका में चलो, और दक्षिणी अमेरिका में आप यहाँ पर देखोगे पंपास घास के मैदान है, ठीक है। पंपास घास के मैदान आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सारा का सारा पंपास घास का मैदान है, ठीक है। और इसके साइड में इधर ये आटाकामा का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो आटाकामा मरुस्थल है। पनामा नहर वेरी इंपॉर्टेंट है, पनामा नहर आपको ये देखने को मिलेगी, ये सारी की सारी पनामा नहर है। और पनामा घाटी यदि पूछ लेता है वो, तो आपको घाटी यहाँ पर टिक करके आना है, पनामा घाटी ये है। तो आपको सब कुछ सही सही समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पर्वत और देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्वत, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपको कुनलुन शान पर्वत देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सुलेमान पर्वत, ये भारत का जो एरिया है उसके उत्तर पश्चिम में ये पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, इसके ऊपर हिंदुकुंज पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है और सीमा भी बनाता है, तो यूरोप वेरी इंपॉर्टेंट है। वो एल्ब्रुज पर्वत भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्ब्रुज पर्वत, ठीक है। एल्ब्रुज पर्वत ये स्थित है कैस्पियन सागर के नीचे ही स्थित है, ये कैस्पियन सागर है और इसके नीचे स्थित है एल्ब्रुज पर्वत, ठीक है। इसके बाद में वो एटलस पर्वत पूछ सकता है, ठीक है। एटलस पर्वत ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको एटलस पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं रॉकी पर्वत, रॉकी वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत आ जाता है, रॉकी पर्वत ये सारा का सारा पर्वत है उत्तरी अमेरिका की जो ये हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा में रॉकी पर्वत ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका में कुछ क्षेत्र और देख लेते हैं, यहाँ पर एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत ये आ जाएगा। फिर इसके जस्ट दक्षिणी अमेरिका ही है, और इसी में आपको दो फटार देखने को मिलेंगे, एक फटार कोलंबिया का फटार है, ठीक है। फिर ये जो फटार है वो बोलीविया का फटार आपको देखने को मिलेगा, बोलीविया का फटार ये है। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, कोलंबिया का फटार, बोलीविया का फटार, ठीक है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण और
ये जो आपको द्वीप देखने को मिल रहा है वो मेडागास्कर द्वीप है, वेरी इंपॉर्टेंट द्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप ये हो जाएगा। और एक पर्वत और पड़ता है किलीमंजोरा, अफ्रीका में पड़ता है ये हिस्सा है, ठीक है। किलीमंजोरा यहाँ पर पड़ता है। मैं पृष्ठ बदल देता हूँ। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो देश हैं वो और देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देश वो भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भारत है, ठीक है। भारत के साइड में जस्ट मैंने जो डायरेक्शन लगा रखी है सेम डायरेक्शन आप लगा लो। ये पड़ता है ईरान, ठीक है। ईरान क्षेत्र ये पड़ता है, इसके जस्ट आगे और इस खाड़ी के आगे, ठीक है। ये जो क्षेत्र है जहाँ पर मैंने पॉइंट लगा रखा वहाँ पर ही लगा लो आप, इराक, इराक आ जाएगा। तो ईरान यहाँ पर, उसी के आगे इराक है, ठीक है। ये क्षेत्र है, इसी के बीच में आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब बार बार आता है, ये तेल क्षेत्र है सऊदी अरब, ठीक है। इसके बाद में वो ये बार बार ये भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर कौन सी है, ठीक है। तो स्वेज नहर, ये सारी ये जो यहाँ तक ये जो नहर देख रहे हो आप वो स्वेज नहर है, और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर, ये सारा का सारा आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा जो भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, ठीक है। तो इसको जोड़ती है ये, तो इसी के बीच में है। और स्वेज नहर की घाटी यदि पूछ ले तो इसी के बीच में आप घाटी को टिक करके आ जाना, ठीक है। ये क्षेत्र आपने देख लिया। अब आपको यदि जकार्ता पूछे तो जकार्ता ये क्षेत्र है, ठीक है। जकार्ता ये, जावा द्वीप ये है, और इंडोनेशिया ये सारा का सारा इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। तीन क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। जकार्ता ये है, ठीक है। जावा यहाँ पर है, और इंडोनेशिया पूरा का पूरा इंडोनेशिया फैला हुआ है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ। ये जो अब मैं जो बताऊँगा वो 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप देख भी लेना, 2020 के एग्ज़ाम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तरी अमेरिका में दो क्षेत्र पूछे थे उसने। ये जो क्षेत्र है यानी पश्चिमी हिस्सा उत्तरी अमेरिका का, वहाँ पर आपको सैन फ्रांसिस्को मिल जाएगा। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है, और इसके जस्ट आगे, और ये जो झीलें हैं उसके नीचे, ये झील है पूरी मैंने बता दी पहले, और ये झील है यहाँ पर आपको शिकागो देखने को मिलेगा, ठीक है। शिकागो, शिकागो आपको देखने को मिलेगा। तो आमने सामने दोनों हैं, सैन फ्रांसिस्को, इसके सामने है शिकागो, आप दर्शा के आ जाना। अब आपको दक्षिण अमेरिका में चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपको माटो ग्रासो का पठार देखने को मिलेगा। ये ब्राज़ील में स्थित है, इसलिए मैंने ब्राज़ील लिख दिया है ये। तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में है, और वहाँ पर आपको माटो ग्रासो का पठार देखने को मिलेगा। ये आपको द्वीप दिख रहा होगा आपको नक्शे में, वो फोकलैंड का द्वीप है, फोकलैंड का द्वीप। ये सारे आए हुए हैं, ये द्वीप है जो फोकलैंड का द्वीप आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी पूछी गई हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है वो स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखला है, दोबारा से लिख देता हूँ, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद में वो एक पर्वत पूछा था कार्पेथियन पर्वत, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कार्पेथियन, पेथियन पर्वत, ठीक है। उसने कार्पेथियन पर्वत पूछा था, ये हिस्सा है कार्पेथियन पर्वत का, ठीक है। कार्पेथियन पर्वत भूमध्य सागर के ऊपर ही स्थित है, ठीक है। उसने ये भी पूछ लिया था कि होर्मुज जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो होर्मुज जल संधि ये आपको त्रिदिशा वाला आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। इस नक्शे में दोबारा से मैं समझाती, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है इसी के बीच में,
इसी के बीच में मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसी के बीच में आपको हॉर्मुज जल संधि देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ही आपको हॉर्मुज की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि भी यही है और हॉर्मुज की खाड़ी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आपको मंगला तेल क्षेत्र भी पूछ सकता है। भारत में ये मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर में है, ये जो हिस्सा है मैं पॉइंट लगा रहा हूँ वहाँ पर देख लेना, मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर में ये मंगला तेल क्षेत्र। फिर उसके बाद में ये सतपुड़ा श्रृंखला यानी सतपुड़ा की श्रृंखला भी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है और यहाँ पर आपको सतपुड़ा श्रृंखला मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, आप ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको मेलबोर्न यानी मेलबोर्न एक शहर है और मेलबोर्न यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में ये। और ये जो द्वीप देख रहे हो आप वो तस्मानिया है। ठीक है, तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया ये स्थित है। तो तीन क्षेत्र स्थित हैं, कैनबरा, मेलबोर्न, तस्मानिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सारे द्वीप है, ये जापान के सारे द्वीप हैं। ठीक है, आपको इस नक्शे में समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं दूसरा नक्शा लेता हूँ, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये द्वीप मैं पॉइंट कर रहा हूँ जहाँ पर, समझ लेना, सकालीन द्वीप है, सकालीन। ठीक है, सकालीन द्वीप ये यहाँ पर स्थित आया हुआ है। ठीक है, ये जो द्वीप देख रहे हो आप, ये द्वीप आपका है होकेडो द्वीप। ठीक है, होकेडो द्वीप आपका यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो द्वीप है वो होन्सु द्वीप है। ठीक है, होन्सु द्वीप आपको यहीं देखने को मिलेगा, होन्सु द्वीप। ठीक है, होन्सु द्वीप यहाँ पर स्थित है। फिर इसके आगे जाओगे तो ये टोक्यो आ जाएगा, टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद में शिकोक्यू, ये जो आगे जस्ट ये आसपास ही हैं सारे द्वीप। ठीक है, शिकोकू द्वीप। ठीक है, और ये जो लास्ट द्वीप है वो यहाँ पर स्थित है, और ये जो द्वीप है वो क्यूयूसु द्वीप है, क्यूयूसु द्वीप है। तो ये सारे के सारे द्वीप आपको यहीं देखने को मिलेंगे, जापान के द्वीप हैं, सकालीन द्वीप, होकेंडो द्वीप, होन्सु द्वीप, टोक्यो द्वीप, शिकोकू और क्यूयूसु द्वीप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, पृष्ठ बदलते हैं, ख़त्म हो गया अपन का जो नक्शा है। तो फ्रेंड्स, हमने जितने भी इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कोई सा भी इसमें दे सकता है। आप इस नक्शे को पूरी तरीके से याद कर लेना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं बीए पार्ट संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक डाल रखा है इसमें। और एक बात और बता दूं कि बीए पार्ट संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इसमें डाल रखी है, जैसे ज्योग्राफी संबंधित, हिस्ट्री संबंधी भी डाल रखी है, पॉलिटिकल साइंस है उसके संबंधित भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, ईश्वर से आशा करता हूँ कि आपका पेपर सही हो। 2 अगस्त को ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर होने वाला है, दोनों साथ में होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर ईजी आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।